और ये है आज का मेरा डिनर। तो आपको पीजी में भी आप ज़्यादा कुछ सीख नहीं पाओगे। ये है सफदरजंग हॉस्पिटल का ट्रॉमा सेंटर, एंड ऑब्वियसली ये इतना बड़ा ट्रॉमा सेंटर है कि इंडिया में शायद ही कोई 8-9 फ्लोर का कोई ट्रॉमा सेंटर होगा। सो मैं अभी इस ट्रॉमा सेंटर में एंट्री करने वाला हूँ। एंड जैसे ही आपको यहाँ से राइट हैंड पे आप देखोगे तो आपको राइट हैंड पे आपको मिलेगा एम्स हॉस्पिटल, जो कि आपके राइट हैंड साइड पे है। सो अभी मैं कुछ ही टाइम में इसके अंदर एंट्री करने वाला हूँ। सो अभी मैं इसमें एंट्री कर रहा हूँ इमरजेंसी रूम में। एंड जैसे ही आप एंट्री करते हो तो सबसे पहले जो ग्राउंड फ्लोर आता है, तो सबसे पहले जो डिपार्टमेंट आपको दिखेगा वो है हमारा रेडियोलॉजी का डिपार्टमेंट, जो कि ग्राउंड फ्लोर पर ही है, जो कि जहाँ पर सीटी स्कैन की मशीन है। देन जैसे ही आप टर्न लेते हो तो आप सामने देखोगे कि आपके पास यहाँ पे, तो यहाँ पर हॉल नंबर 4, हॉल नंबर 3 एंड हॉल नंबर 2 आपको देखने को मिलेंगे, जो कि हॉल नंबर 4 जो है वो है हमारे मेडिसिन का, एंड हॉल नंबर 3 वो है सर्जरी का, एंड हॉल नंबर 2 है वो पीड्स के लिए है। सो यहाँ पर आप देख भी रहे हो पेशेंट काफ़ी ज़्यादा ही है। अगर आप हॉल के अंदर जाओगे तो ऑब्वियसली और भी बहुत ज़्यादा पेशेंट देखने को मिलेंगे। तो मैं अपनी ड्यूटी के लिए जाता हूँ अभी। सो अभी 4 बज गए हैं और मेरी इमरजेंसी ड्यूटी अभी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो अभी जो पेशेंट है, ऑब्वियसली पेशेंट तो ज़्यादा ही है, थोड़े से ज़्यादा ही पेशेंट है, बट फिर भी कंपैरेटिवली इतने ज़्यादा पेशेंट तो नहीं लग रहे हैं, क्योंकि कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये जो 4th फ्लोर है हमारे अल्ट्रासाउंड का, ये पूरा 4th फ्लोर पूरा भरा हुआ होता है। एटलीस्ट 50-60 पेशेंट यहाँ पर खड़े होते हैं ऑलरेडी अल्ट्रासाउंड के लिए, तो उसके कंपैरेटिव में तो थोड़ा सा कम ही पेशेंट लग रहे हैं मुझे, बट स्टिल बहुत पेशेंट तो बहुत हैं। एंड मैं यही चाहता हूँ कि इतने ही पेशेंट रहे, इससे ज़्यादा पेशेंट रहेंगे तो उनको हैंडल करना सच में बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत बार तो लड़ाइयाँ हो जाती है यहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा कोई लड़ाई ना हो मेरी इमरजेंसी ड्यूटी में और मेरी ये ड्यूटी अच्छे से निकल जाए। लेट्स सी। सो ये है हमारा डॉक्टर्स ड्यूटी रूम, एंड यहाँ से अब मैं जाने वाला हूँ हमारे अल्ट्रासाउंड रूम में, जहाँ पर कि मेरे फ्रेंड्स मेरा वेट कर रहे हैं। सो आप जैसे देख रहे हो कि 4th फ्लोर पे ऑलरेडी पेशेंट काफ़ी ज़्यादा हैं, बट स्टिल थोड़े से कम हैं कंपैरेटिवली। एंड यहाँ पर गार्ड जी भी पेशेंट को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, ये हमारे गार्ड जी हैं जो कि बहुत अच्छे से पेशेंट्स को मैनेज कर रहे हैं। एंड अंदर आप पहले ही देख रहे हो कि ऑलरेडी ट्रॉली है, एंड वहाँ पर एक पेशेंट ऑलरेडी है। A few moments later. तो जैसे कि अभी आप सबने देखा कि इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि बहुत बार तो पेशेंट्स के साथ इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ हो जाती है, बट फिर भी यहाँ पर गार्ड जी होते हैं वो सब यहाँ पर कंट्रोल कर लेते हैं। अगर गार्ड जी ना हो यहाँ पर तो पेशेंट इतने ज़्यादा होते हैं, और सब हर कोई चाहता है कि हमारा सबसे पहले जो है अल्ट्रासाउंड में हमारा सबसे पहले अल्ट्रासाउंड हो जाए। एंड इसके चक्कर में इतनी ज़्यादा वो लड़ाइयाँ हो जाती हैं यहाँ पर, इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि समझ ही नहीं आता है, और हमें सच में कंट्रोल करना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो फाइनली अभी जो है मेरी कॉपी जी आई है अभी, तो अभी वो अल्ट्रासाउंड कर रही है, एंड मैं 10 मिनट के लिए अभी ब्रेक लेने वाला हूँ। सो मैं 10 मिनट के लिए थोड़ा सा कैंटीन जा रहा हूँ चाय वगैरह पीने के लिए, और उसके बाद फिर से मुझे करना है। तो सच में बहुत बहुत ज़्यादा हैक्टिक ड्यूटीज़ जा रही है, जो कि आप सबको दिख ही रहा है। एंड ये है हमारा पीजी मेस, जहाँ पर कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर सामने जूस भी मिलता है, एंड आपके यहाँ पे साइड में ही यहाँ पर जो कि हमारा मेन्यू है मेस का, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एंड इस मेस में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो साफ़ सफाई है वो काफ़ी अच्छी है, अभी बहुत ही कुछ टाइम पहले इसको रिनोवेट किया है। एंड दूसरी बात, सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत सारे स्टेट से, जो कि दिल्ली में सफदरजंग हॉस्पिटल में बहुत सारे स्टेट से स्टूडेंट्स आते हैं, तो उनको कभी खाने के लिए प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ इंडियन भी मिलता है, साउथ इंडियन भी मिलता है, तो हर टाइप का खाना भी मिलता है यहाँ पर, चाहे आपको वेज खाना है या फिर नॉन वेज खाना है, तो यहाँ पर एटलीस्ट आपको खाने की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सो ये बहुत ही अच्छा मेस है, बहुत अच्छा खाना होता है यहाँ का। सो अभी रात के 9 बज गए हैं और मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग गई है, एंड अभी जो ड्यूटी का टाइम है वो सिर्फ अभी हाफ ही कवर हुआ है, क्योंकि 24 आवर्स की ड्यूटी है, तो अभी रात के 9 बजे तक ओनली 12 आवर्स की ड्यूटी हुई है, एंड 12 आवर्स ड्यूटी अभी भी रहती है, और अभी मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। सो और मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी, तो सो अभी मैं आया हूँ अपने मेस में कुछ खाने के लिए, थोड़ी देर में ही मेरा खाना आने वाला है। एंड ऑब्वियसली यार पीजी लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रगल होता है, जो कि आप देख ही रहे हो, इस वीडियो से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल ही रही है कि पीजी करना कितना मुश्किल होता है, कितना ज़्यादा स्ट्रगल होता है, इतने ज़्यादा पेशेंट आते हैं कि
हम सो भी नहीं पाते हैं, खाना खाने का टाइम नहीं मिल पाता है, सोने का टाइम नहीं मिल पाता है। 36 hours 48 hours इतनी ड्यूटीज़ होती है। और किसी सेंट्रल हॉस्पिटल में जो बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ में पीजी करना तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टॉक्सिक ही होता है। एंड एक अच्छी बात यह भी है कि इतने ज़्यादा पेशेंट आते हैं तो आपको बहुत बहुत सारी चीज़ें, सब कुछ, इवन सब कुछ, सारे स्पेक्ट्रम, आपको सारी डिजीज़ आपको सीखने को मिल जाती है, सारी डिजीज़ आप देख लेते हो। ये भी इसका एक बेनिफिट होता है। बट स्टिल कहीं ना कहीं ये फिर महसूस होने लग जाता है कि नहीं यार, इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है, बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है पीजी करने के लिए। इंडिया में सच में बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। एनीवे, अभी मेरा खाना आने वाला है तो मैं खाना खाने के बाद फिर से अपनी ड्यूटी पे जाने वाला हूँ। और ये है आज का मेरा डिनर, जो कि है छोले मसाला और 4 तवा रोटी। एंड यहाँ पर मैंने एक दूध भी लिया है 1/2 लीटर, क्योंकि मुझे दूध पीना बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि ओब्वियसली मैं हरियाणा से हूँ तो हम हरियाणा वाले दूध दही ज़्यादा ही पीते हैं, ज़्यादा ही खाते हैं। सो यहाँ पर एक मेरा छोटा सा सिंपल सा आज का डिनर है, जिसको खाने के बाद मुझे एनर्जी आने वाली है। और इस डिनर को करने के बाद मुझे फिर से 12 hours ड्यूटी भी करना है। सो अभी जो टाइम हो रहा है वो 3 बज चुके हैं। एंड अभी मैं इतना ज़्यादा थक गया हूँ कि मेरे अंदर अभी एनर्जी भी नहीं है, और अभी भी इतने सारे पेशेंट्स हैं यहाँ पर कि, और अभी भी बहुत सारे पेशेंट आते ही जा रहे हैं, जो कि आप देख रहे हो कि इतने सारे ट्रॉलीज़ हैं। ये सब पेशेंट जो होते हैं मारपीट करके आते हैं, और इनका हमें फास्ट करना होता है, तो बहुत बहुत सारे पेशेंट तो ऐसे ही आते हैं। एंड स्टिल हम एक पेशेंट का करते हैं तो 3-4 पेशेंट और आ जाते हैं। तो ये जो भीड़ है ये कभी ख़त्म होती ही नहीं है, बार बार हर बार पेशेंट आते ही रहते हैं। और हम पूरी रात अल्ट्रासाउंड करते ही रहते हैं, चाहे हम कितने भी थक जाएँ। तो सुबह के 6 बज चुके हैं, और अब जो मेरी आँखों में इतनी ज़्यादा नींद है ना, मैं बता नहीं सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर 5 मिनट अगर मैं बैठा रह गया तो शायद मेरे को नींद आ जाएगी। सच में आपको लग भी रहा होगा मेरी आँखें देख कर कि बहुत बहुत मुझे ज़्यादा नींद आ रही है। बट खुशी इस चीज़ की भी है कि अब इमरजेंसी ख़त्म होने वाली है, सिर्फ 3 घंटे और बचे हैं। और अभी मैं आया हूँ सिटी रूम में, तो सिटी रूम में अभी नेक्स्ट 3 hours की ड्यूटी है मेरी, सिटी रूम में होने वाली है। एंड कल से मैं अल्ट्रासाउंड किए जा रहा हूँ। एंड फाइनली अभी सिटी रूम में आया हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। बट मैं पूरी रात में एक सेकंड भी नहीं सो रहा हूँ पूरी रात में। बट ठीक है, ये पीजी लाइफ है, और पीजी लाइफ में ये सब तो चलता ही रहता है। इतनी ड्यूटीज आपको करनी ही होती है। एंड अगर आपको सीखना है, अगर आपको कुछ भी सीखना है, तो ऑब्वियसली आपको अपना वहाँ पर 100% देना पड़ता है। एंड जब तक आप अपना वहाँ पर अपना 100% नहीं दोगे तो आपको पीजी में भी आप ज़्यादा कुछ सीख नहीं पाओगे। तो इसलिए आपको अपना जितना हो सकता है एफर्ट डालना होता है, और जितना हो सकता है उतना आपको सीखने का ही ट्राई करना होता है। तो मेरी भी यही हमेशा कोशिश रहती है कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखता रहूं। तो आज भी ऐसा था कि हैक्टिक ड्यूटीज़ ज़रूर थी, कोई बात नहीं, हैक्टिक ड्यूटीज़ होती हैं, बट आज बहुत कुछ सीखा है मैंने। तो ऑब्वियसली इतने सारे पेशेंट करते हैं, तो जब मैं कहीं बाहर जाऊंगा पेशेंट करने के लिए, अल्ट्रासाउंड करने के लिए, तो ऑब्वियसली मेरी स्पीड भी इंक्रीज होगी एंड एक्सपीरियंस तो मुझे होगा ही। तो सबके पॉजिटिव नेगेटिव सबके पॉइंट्स होते हैं, बट पीजी लाइफ में आपको ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स आपको ज़्यादा सोचने नहीं है, आपको सिर्फ उसके पॉजिटिव पॉइंट्स ही देखने हैं कि आगे चल के मेरे को कितनी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, कितना मेरा बेनिफिट होने वाला है। तो ऑब्वियसली अभी नेक्स्ट 3 hours में मेरी ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी, और उसके बाद मैं रूम पे जाके सो जाऊँगा। एंड अभी के लिए तो 3 hours हैं, तो अभी कोई CT scan होगा तो मैं CT scan की रिपोर्ट करने वाला हूँ।